नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रात रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबर देते हैं जो खबर आगे चलकर कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है और उसका इतिहास बिहार के राजनीति से जुड़ा होता है। लगातार जेडीयू में उठापटक चल रहा है, आपने देखा होगा जेडीयू में कई टीम बन गई हैं और लगातार मैच शुरू हो चुका है, अब फाइनल मुकाबला आने वाला है, डेट भी फिक्स हो गया। चलते हैं अपने सहयोगी सुमन के पास। सुमन, डेट फिक्स हो गया है, फाइनल मुकाबला होने वाला है, तो क्या कहना है आपका? देखिए सनी, सबसे पहले आपको जदयू के वर्तमान जो स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसको समझने की जरूरत है। जदयू में आप महज एक पोस्टर विवाद समझ रहे हो जी, लेकिन होता है ना कि एक जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि त्वचा जो है आपका स्किन, वो पूरे शरीर का आईना है जी। ये बताता है कि आपके शरीर के भीतर गर्मी है तभी त्वचा पे दिख जाएगा जी। किसी प्रकार का कोई बीमारी है वो भी आपके त्वचा पर दिख जाता है, और जो त्वचा के विशेषज्ञ होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं, वे इन तमाम चीज़ों को जान जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप जदयू को देखेंगे तो जदयू के भीतर खाने में जो उठापटक चल रही थी उसका एक आईना बनकर, उसका एक मतलब क्या चल रहा है, उसको तमाम चीज़ों को समरी होता है ना जी, किसी अभ्यास अब किताब में किसी चैप्टर को पढ़ते उसका समरी होता है, समराइज किया जाता है स्टोरी को, तो उसी समरी को लेकर के पोस्टर विवाद सामने आ जाता है। पोस्टर विवाद ऐसा होता है जिसमें जदयू के सर्वमान्य नेता जी, और लोगों की बात छोड़ देते हैं, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़नी होती है, और वे कहते हैं कि एक भूल हुई है, भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन आप महज जिसे आप भूल आप कह रहे हैं, ये समय के साथ समझ आता है कि ये भूल थी नहीं जी, ये किया गया था जी। जब जो चीजें की जाती है और राजनीति में जब आप कहते हैं कि मिस्टेक हो गया जी, जी। ब्लंडर हो गया, भूल हो गया, तो इस तरह की चीजें राजनीति में नहीं होती जी। राजनीति में जो कुछ भी होती है उसके पीछे रणनीति होती है और इसका आने वाले समय में परिणाम दिखता है। जैसे भारत लाइव की खबरों का आप फेक कर देते हैं जी, आने वाले समय में आप ही ब्लू टिक लगा देते हैं जी, तो थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ता है। तो राजनीति में भी यही बात है, एक्शन जो आपको सीधे दिख रहा है वो सीधे चीज नहीं है जी, वो ऐसे है घुमा के है, लेकिन आपको बस यही पारखी नजर होना चाहिए आपके पास। चलिए आप सीधे जदयू पर चलते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जदयू में जैसा कि अभी आपने सनी कहा कि अब फाइनल होने वाला जी, जैसे क्रिकेट का मैच देखिए, टूर्नामेंट होता है गांव घर में, तो टूर्नामेंट में क्या होता है कि पहले खेल चलता है, टीमें भिड़ाई जाती है, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, उसके बाद फाइनल होता है। तो जदयू में जो गुटबाजी चल रही है, अब स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है गुटबाजी, क्योंकि भारत लाइव की टीम ने आपको जितनी बातें दिखाई है तो स्पष्ट रूप से नजर आ गई होगी आपको जी, जी। तमाम खबरों के माध्यम से दिखाया है कि जदयू के भीतर कितने गुट बने, और जब गुट की आप चर्चा कर रहे हैं, भारत लाइव की टीम चर्चा कर रही है, तो जिस दिन ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस दिन जो राजद के नेता हैं शक्ति यादव जी, उनका आपको एक बयान याद होगा, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के अलावे अगर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं जदयू में, तो जदयू चार टुकड़े में टूट जाएगी। भारत लाइव की टीम ने आपको ये भी बताई थी कि चार टुकड़े कौन कौन से होंगे, तो अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में, लेकिन ये बात दिख रही है कि हलचल तेज है जदयू के भीतर। अब उसी दिन का पूरा ले लीजिए आप, सबसे पहले लेते हैं ये हलचल जो शुरू हुई केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से जी। पहले भी विपक्ष के नेताओं ने आगाह किया था कि केंद्रीय कैबिनेट को देख करके आप लोग अगर हाथ जोड़ लेते हैं तभी आपके लिए भलाई है। अब किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको? चिराग पासवान की। चिराग पासवान जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा था कि अगर जदयू खुद को बचाना चाहती है तो ये कैबिनेट विस्तार जो है उसको देख करके ही दूर से ही हाथ जोड़ ले, कहे महोदय इसे आप अपने ओर रखिए। लेकिन नीतीश कुमार जी दिलचस्पी दिखाते हैं। अब नीतीश कुमार जी इसलिए दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार जी वही एक सीट दिया जा रहा था और तब नीतीश कुमार जी बिहार लौट के आते हैं, बिहार में विस्तार करते हैं और उससे भाजपा को दूर कर देते हैं, ये तमाम चीजें हमने देखी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार जी इस स्थिति में तो है नहीं जी। उस समय नीतीश कुमार जी मजबूत थे, बलवान थे, जब आपके पास ताकत होती है तो आप जब पिता देखिए, जब पिता युवा अवस्था में होता है, पिता घर का मुखिया होता है, खुट्टा होता है, तो उस समय बच्चों की बात नहीं मानता जी। अगर बच्चा कहता है कि आप
ऐसे कीजिए। तो पिता कहता नहीं, अभी तो ये हमारा समय है, हम अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे पिता का अवस्था ढलता है तो पिता भी मानने लगता है कि नहीं, जो पुत्र कह रहा है वही ठीक है, इसलिए क्योंकि अब तो हमें वो ताकत नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही, और अगर हम यहाँ विरोध करते हैं तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जी, जी। तो ये बात पिता भी समझते हैं, समाज की बात है, समाज की जब बात है तो आप उससे ही सीख ले लीजिए। नीतीश कुमार जी भी इन बातों को समझे कि हम तो 43 सीट पे आके सिमट गए बिहार में, तो बिहार में तो भाजपा के कृपा पात्र पर है, और ये भाजपा के नेता समय समय पर हमें बताते रहते हैं। जी, जी। तो ऐसे में अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मिल रहा है उसे लपेट लिया जाए। जी। और नीतीश कुमार जी सीधे खुद नहीं जाते हैं बात करने के लिए, अब ये बात भी कहना ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार जी जाते हैं आँख का इलाज करवाने के लिए, कोशिश करते हैं, मुलाकात नहीं होती है। इसके बाद नीतीश कुमार जी बिहार आते हैं और अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू शामिल होगा या नहीं होगा इसका फैसला कौन करेंगे? आरसीपी सिंह जी। लेकिन आरसीपी सिंह जी को तो भेजा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसलिए भेजा जाता है कि आप जाइए और फैसला करके आइए कि जदयू को कितनी सीटें मिल रही। नीतीश कुमार जी उस जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जवाब के बदले नीतीश कुमार जी के कानों में वो शपथ ग्रहण समारोह का वो भाषण जो है, मैं भारत की तमाम चीजों को मानते हुए ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ये भाषण नीतीश कुमार जी के कानों में सुनाई पड़ता है। और इसके बाद आरसीपी सिंह जी जब बाहर निकलते हैं तो जो बयान देते हैं कि हम बने या ललन सिंह जी बने, बात तो एक ही है जी, बराबर है। लेकिन उस वक्त भी भारत लाइव की टीम ने आपको एक एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया था कि आरसीपी सिंह ने जब ये बात कही है तो ललन सिंह की बातों को भी, उनकी भावनाओं को भी उसमें निहित कर ले रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ललन सिंह जी इन तमाम बातों को मानेंगे जी? और इसके बाद ये हमने देखा कि बिहार में ललन सिंह के समर्थक किस प्रकार से जो है नाराज हो जाते हैं, ये तमाम चीजें हमने देखी। इसके बाद आरसीपी सिंह जी का ये दूसरा पॉइंट याद कीजिए। आरसीपी सिंह जी जब जदयू का जो वर्चुअल मीटिंग हो रहा होता है उसमें कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को तो सब मालूम ही था जी। मतलब ये बात जो आ रही थी, नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि आरसीपी सिंह जी फैसला लेंगे, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर आरसीपी सिंह जी फैसला लेंगे नीतीश कुमार कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी खुद से पिंड छुरा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि जदयू, अगर जदयू को एक सीट मिल रही है तथाकथित एक सीट मिल रही है जिसमें आरसीपी सिंह जी को भेजा जाना है, तो ये फैसला मैं अपने जिम्मे नहीं लूंगा, नहीं तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि ललन सिंह जी तो पहले भी नाराज होकर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, और ये दांत दिख गया तब तो फिर परिणाम जो है वो सही नहीं होगा। नीतीश कुमार जी इन तमाम चीजों को मानते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ फैसला लेते हैं और ये कहते हैं कि जो आरसीपी सिंह, देखिए आरसीपी सिंह जी का ये बयान फिर आपको एक बार याद करना चाहिए। आरसीपी सिंह जी ये बयान देते हैं कि हमें वो क्षमता है कि हम संभाल सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाल सकते हैं, केंद्रीय मंत्रालय भी संभाल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब नीतीश कुमार जी के पाले में गेंद आ जाता है और नीतीश कुमार जी प्रेशराइज हो जाते हैं पार्टी के भीतर ही, पार्टी के लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने आरसीपी सिंह से भी लंबे समय से नीतीश कुमार का जो है उन्होंने साथ दिया। हम बात करें ललन सिंह जी का, इसका नीतीश कुमार जी आनंद फानन में येन केन प्रकारेन एक बड़ा फैसला लेते हैं और आरसीपी सिंह जी को मजबूर करते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए। भारत लाइव ने एक खबर चलाई थी, आपको याद होगा, जिसमें भारत लाइव की टीम ने कहा था कि आरसीपी सिंह जी इस्तीफा नहीं देने जा रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी इन तमाम चीजों को देखते हैं, भारत लाइव की खबर को देखते हैं और जानते हैं कि परिस्थिति जदयू में क्या होने जा रही है। और आनंद फानन में अगर आरसीपी सिंह जी को हटाया जाता है, एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो फिर कौन बनेंगे जो नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी थे और जो जिनको बना देने से विवाद शांत हो जाता है, तो ऐसे में ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन ललन सिंह जी क्या करते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी डटे रहते हैं, दिल्ली पसंद आने लगता है ललन सिंह जी को, और कुछ दिन बाद अपने समर्थकों को सूचना देते हैं, वायरलेस किया जाता है कि हम पटना आने वाले हैं। ललन सिंह जी के समर्थक बैंड बाजे और भी बड़ी बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ पूरे पटना में पोस्टर से पाट देते हैं पूरे पटना को, ललन सिंह जी का भव्य स्वागत किया जाता है
और जदयू के ऑफिशियल पेजेज पे लाइव दिखाया जाता है कैसे काफिला जाता है, सनरूफ वाले गाड़ी में ललन सिंह जी हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि ये वो ललन सिंह जी नहीं है जो जदयू कार्यालय में रहा करते थे, ये ललन सिंह जी कहीं बाहर से हैं, कहीं विदेश के, जिससे भारत को एक बड़ा राजनीतिक या आर्थिक फायदा होने वाला है, बड़ा बिजनेस मिलने वाला है, उस देश के राष्ट्रपति हैं या क्या, अब उस रूप में आते हैं ललन सिंह जी इसी पटना में, जहां पटना में ललन सिंह जी राजनीति किए, जदयू को सींचने का काम किए। अब देखिए ललन सिंह जी तो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, लेकिन उस दौरान जो पोस्टर लगाया जाता है उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन मिस्टेक्स आप नहीं कह सकते, पोस्टर में बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है और ललन सिंह जी अपना शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं कर देते हैं। जयकुमार सिंह जी का पोस्टर याद होगा, नीरज कुमार जी का पोस्टर याद होगा, ललन सिंह जी के और समर्थकों का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग कदावर नेता हैं जदयू के, इसलिए हम उनकी पोस्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके बाद अब चलते हैं मुख्य मुद्दे पर। अब 16 तारीख आने वाला है जी, और 16 तारीख को फाइनल मैच होने वाला है जी। फाइनल मैच किस चीज का, तो आरसीपी सिंह जी इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब फैसला हो जाता है तो वे क्या करते हैं, उनका क्या रुख होता है, उसके बाद हम अपना गेम जो है, अपना ताश का पत्ता जो है वो शो करेंगे, हम अपना कार्ड शो करेंगे। और ऐसे में ललन सिंह जी जो अपना काम करते हैं, उनके समर्थक काम करते हैं, पोस्टर वाला पूरा प्रकरण होता है, उसे एज अ चैलेंज आरसीपी सिंह जी ले लेते हैं। चैलेंज इसलिए भी क्योंकि आरसीपी सिंह जी नहीं चाहते थे कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े और उन्हें दबाव में छुड़वाया गया। इसके बाद जब आरसीपी सिंह जी 16 तारीख को का जो दिन है वो निर्धारित करते हैं, तो आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले का समय है, 11 तारीख के बाद से ही पूरे पटना में आरसीपी सिंह जी के स्वागत का पोस्टर लग गया है, पूरा पटना को पाट दिया गया है। आपको बता दें कि कल जो है जदयू में एक मिलन समारोह था, लेकिन मिलन समारोह का जो पोस्टर है वो ढूंढने में वक्त लग जाएगा आपको, लेकिन आरसीपी सिंह जी का पोस्टर हर गली चौराहे पर मिल रहा था। मुनीश्वर चौधरी मिले, इसके बाद राजेश राम जी मिले, कदावर नेता थे अपने समय के, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, एक पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, वे लोग मिलते हैं और उनका बड़ा पोस्टर नहीं दिखता, लेकिन आरसीपी सिंह जी जो 16 को आने वाले हैं उनका जो है बड़ा बड़ा पूरा पोस्टर पूरे पटना में दिखता है। और यह भी बात हो रही है कि आरसीपी सिंह जी के जितने भी समर्थक हैं उनके आवास पर कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, लोग जो है गांव से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जदयू के कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के फैन समर्थक आरसीपी गुट के लोग पटना पहुंचना शुरू कर चुके हैं, कुर्ता साथ लाए हैं, 15 अगस्त का परेड भी देखना है और इसके बाद आरसीपी सिंह जी का जलेबी खा के टाइट होना है और आरसीपी सिंह जी के काफिले में फिर शामिल होना है और दिखाना है विजन, यानी कि फाइनल मैच में टक्कर देना है, बड़ा टक्कर देना है। आप भी टक्कर देते हैं सनी जी, और इधर आरसीपी सिंह जी भी टक्कर देने के मूड में अब आ गए हैं, उनके समर्थक आ गए। तो अब देखिए सीधे तौर पर देखिए इन तमाम विवाद जो है ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि शक्ति प्रदर्शन जो शब्द भारत लाइव की टीम ने जिस दिन ललन सिंह जी आए थे उस दिन लाइव करते हुए दिखाया था कि ललन सिंह जी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब महाशक्ति प्रदर्शन आरसीपी सिंह जी करने वाले हैं। आरसीपी सिंह जी पहले बने मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले बने, लेकिन अब आ रहे हैं पटना आ रहे हैं, जब उनका गेम देखने के बाद, और अब जितने भी आरसीपी सिंह जी के गुट के लोग हैं उन पर एक प्रेशर है कि आपको जो ये कार्यक्रम है, ये काफिला है, उसे और भी भव्य बनाना है, यानी कि फाइनल मैच में जो कुछ भी हो जैसे भी हो लेकिन विजय का जो ट्रॉफी है वो मेरे ही हाथ मिलना चाहिए, गोल्ड मेडल हम ही को चाहिए। आरसीपी सिंह जी इस बात की सूचना अपने लोगों को दे चुके हैं। अब देखिए फाइनल मैच तो होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार जी के करीबी हैं एक, वो चाह रहे हैं कि ये जो बड़ा जो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, अंतर्द्वंद्व चल रहा है, इसे कैसे जो है चिप्पी लगा के साट दिया जाए, या फिर जो आग लगी हुई है उस आग में से कैसे लकड़ी जो है, ईंधन जो है, फ्यूल, उसे छीन लिया जाए, वापस कर लिया जाए, खींच लिया जाए, जिससे आग स्वतः समाप्त हो जाए। हम बात कर रहे हैं जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी की। उमेश सिंह कुशवाहा जी से जब हाथ लाइव की टीम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जब आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं तो उन्होंने ही कमिटी यानी कि कार्य समिति जो था उनके सामने में इस बात का प्रस्ताव देते हैं कि ललन सिंह जी को जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, ये बात कहते हैं और वे चाहते हैं कि इन बातों से ये बात स्पष्ट हो जाए कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तमाम चीजें ठीक है जदयू में,
क्योंकि राजद में क्या उठापटक चल रही है ये बात उमेश सिंह कुशवाहा जी भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी देख रहे हैं, लेकिन आपसी द्वंद में ये बात ललन सिंह जी को नहीं दिख रहा है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह जी, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने आप को बड़ा और कदावर नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और फाइनल मैच जो है 16 तारीख को है, सारी तिथि तय हो गई है, उसी दिन तय होगा कि कौन बड़ा नेता है, और इसी को लेकर के सारी बात जो है की जा रही है। लेकिन देखिए, आप ऐसे नहीं समझिए कि चीजें ललन सिंह जी करके खत्म हो गए हैं। ललन सिंह जी यहाँ रोड शो पटना में करने के बाद थक करके आराम फरमा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आराम नहीं फरमा रहे हैं, वहां चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मणिपुर चुनाव की, और ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने एक्टिव हैं, हम किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में, अंतरराज्यीय पार्टी का कैसे विस्तार हो इसमें कदम बढ़ा रहे हैं। तो 16 तारीख को क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजर है, लेकिन फाइनल मैच में ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तमाम चीजें जो है साबित करती है कि जदयू अछूता नहीं रही विवादों से, जदयू और राजद दोनों अभी एक ही लाइन पर खड़ी है, एक ही पटल पर खड़ी है। पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं जातीय जनगणना के मसले पर। पार्टी में जदयू में अंतर्द्वंद चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तमाम चीजों को छोड़ करके मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव से। अब देखिए, घाव जब सेम है तब तो भाई भाई है ना, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी भाई भाई बने हुए हैं, लेकिन जदयू का फाइनल मैच का सब डेट तय है और आने वाले समय में सब कुछ अब स्पष्ट हो जाएगा। सनी जी, तो 16 तारीख को आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं, जिसका जिक्र सुमन ने किया, लगातार तैयारियां शुरू है, पूरे पटना में पोस्टर बैनर लग चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव है कार्यकर्ताओं पर कि ललन सिंह के आने को लेकर जो कार्यक्रम हुआ था, जिस प्रकार की भीड़ इकट्ठी हुई थी, जिस प्रकार का वहां माहौल बना था, वैसा माहौल अब दबाव है कि उस समय भी बनना चाहिए, तभी मैच कांटे का टक्कर का होगा, उसके बाद मेडल कौन लेता है, ट्रॉफी कौन लेता है, ये तो उसी दिन तय हो पाएगा। अब बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।